अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग सियासत पर और मुल्की हालात पर। तो मुल्की हालात तो खैर वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे कुछ दिनों से नहीं, मतलब पिछले 10-11 महीने तो हो गए तकरीबन, जब से इमरान खान गवर्नमेंट से उतरा है 9 अप्रैल के बाद से। तो दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें मुल्की रिजर्व हो गए, एक्सपोर्ट हो गई, इम्पोर्ट हो गई, और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हो गए, रूल ऑफ लॉ हो गया, इंसाफ की फराहमी हो गई, शहरियों के बुनियादी हकूक़ हो गए। ये सारी मेन चीज़ें जो एक शहरी अपने रियासत से एक्सेप्ट करता है कि उसको मिलनी चाहिए, या जिसको एक बेहतर मुल्क तसव्वुर किया जाता है उसमें ये सारी चीज़ें सारी सहूलियात होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से पिछले 9-10 महीने से ये जो मुल्क है ये जंगल का कानून बना हुआ है, और इसमें जो सारी बेसिक राइट्स है एक आम शहरी के वो मुअत्तल हैं, और एक बराए नाम एक जंगल का कानून बन के रह गया है। उसके साथ ही कुछ रोज़ एक नई सनसनी फैलाई जाती है, रोज़ एक नया ड्रामा रचाया जाता है, और वो ड्रामा सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को किसी तरह रस्ते से हटाया जा सके, और उसके लिए कभी आम पाकिस्तानी पर महंगाई का बम गिरा दिया जाता है, कभी वो एटॉमिक न्यूक्लियर एसेट्स हैं जो फॉरेन से आई कंपनीज को उनका विजिट करा दिया जाता है, ताकि आवाम की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो सके, आवाम एक तरफ लगे और जो इनका अपना असल मकसद है वो हासिल किया जा सके। और कभी कभी क्या होता है, ये तो रोज़ सुनने को मिलता है, आज फॉरेन रिजर्व इतने रह गए, आज फॉरेन रिजर्व इतने रह गए, लेकिन इन सब के बावजूद जो आप देखते हैं कि हुकूमती जो अखराजात हैं, हुकूमती खर्चे हैं, वो उनके दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो हुकूमत में रहने वाले वजीरों की तादाद है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले 40 थी, फिर 45 थी, फिर 50, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते अब 85 हो चुकी है। तो ये आप खुद अंदाज़ लगाएं कि 85 वजीर हैं जहाँ के मुल्की खजाना खाली हो चुका है तकरीबन, 25 वजीर हैं जो, तो उनकी कितनी मराहत होंगी, वो कितनी तनख्वाह लेते होंगे, या एक आप कह रहे हैं उनके कितने अखराजात होंगे एक करीब मुल्क पर, जहाँ की अशराफिया दिन ब दिन मजबूत से मजबूत होती जा रही है, जहाँ की अशराफिया दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है, और जो आम तबका है, आम आवाम है, वो दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। अब तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं, और दो वक्त की रोटी कमाना भी खाना भी मुश्किल हो चुका है। वैसे महंगाई के हालात में दिन ब दिन एक नया तमाशा रचाया जाता है। तो कुछ मेन खबरें ये थी कि इमरान खान को हर दफ़ा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इमरान खान को क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो आप थोड़ा पीछे अपनी मेमोरी को रिमाइंड करें, जो भी यंग हैं या जो भी हैं जिनके ऊपर 25-26 साल या 20 साल है, तो अगर आपका आपका इंटरेस्ट, अगर आपका आपकी दिलचस्पी अगर सियासत में है, तो आपको ये जज करने में आसानी होगी कि कोई भी सियासतदान या कोई भी आज तक लीडर इतना मुल्क में, हमारे मुल्क में, हमारी मुल्क की तारीख में इतना मकबूल नहीं हुआ, वो भी अवाम में, और इतना मकबूल है कि अगर कोई खबर भी सुन ले इमरान खान की गिरफ्तारी की तो वो उसकी हिफाजत के लिए पहुंच जाते हैं। तो मैं कुछ वीडियो आपके नज़र करूँगा, लगाऊँगा यहाँ पे, तो आप देखें कि किस तरह आवाम रात पूरी रात जागती रही सिर्फ इमरान खान की हिफाजत के लिए, सामान पर पहुंचे हुए थे, और किस तरह एक दीवार बन गए इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये जो शोहरत, ये इज्जत किसी किसी को मिलती है और कभी कभी मिलती है, सदियों बाद एक ये ऐसा वाकया देखने को मिलता है। तो इससे पहले भी वाकई हो चुके हैं इस तरह के वाकई हो चुके हैं, जैसे कि अगर आप ईरान की तारीख को देखते हैं, ईरान की तारीख में डॉक्टर मुसद्दक कैसा लीडर गुजरा है, ईरान की तारीख में, पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, तो उसको भी इसी तरह ऑपरेशन रेजिम पेट कर हटाया गया था, फिर वो आवाम में मकबूल हुआ, फिर उसको वापस लाया गया, लेकिन उसके बाद
उसको फिर हटा दिया गया। अवाम ने तो थोड़ी सुस्ती दिखाई। तो उसके बाद फिर 10 या 15 सालों के बाद फिर वहाँ पे इनकलाब आया, जो जिसको इमाम खुमैनी के इनकलाब भी कहते हैं। फिर अवाम फिर उठ खड़ी हुई अशराफिया के खिलाफ, माफिया के खिलाफ। उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर पाकिस्तान की तारीख पे आते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कहने वाला कहते भी है, और जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री रीड की है, एक भुट्टो भुट्टो को भी कंसिडर किया जाता है एक मकबूल लीडर, एक अवामी लीडर। लेकिन उसको इतनी मकबूलियत, इतनी अवामी पजीराई नहीं मिली जितने कि इमरान खान को मिली। और उसकी वजह क्या है? वजह जब आप देखते हैं तो आपको सारी एक जो आप कह लें आम शहरी की, जो आम पब्लिक है, उसके उसके साथ जितनी भी आज तक मुल्क बनने से आज तक जितनी भी नाइंसाफ़ी हुई वो सब बर्दाश्त करता आया। उसमें साफ है जमहूरियत का दौर भी आया, उसमें आमरीत का दौर भी आया, उसमें बस ये दो दो दो, दो दौर गुजरे, आमरीत और जमहूरियत। हमारे मुल्क में पिछले 75 ईयर में ज़्यादातर आमरीत का दौर है, कोई फिर जमहूरियत का दौर आया तो जमहूरियत को सही तरह से चलने नहीं दिया गया, चाहे वो करप्ट लीडर हो चाहे जो भी हो, लेकिन जमहूरियत को हमेशा की तरह डिरेल किया गया। और डिरेल करके एक जो अवामी लीडर होता है या कमज़ोर लीडर, कमज़ोर मतलब जो करप्शन में थोड़ा लथड़ा होता है, और जिसकी अपनी कोई वेल नहीं होती, जिसकी अपनी कोई पावर नहीं होती, जिसमें अपना कोई जज्बा नहीं होता एक लीड करने का अवाम को, वो नहीं था। तो ये इस तरह ये आपस में तमाशा करते आए, चलती आए। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आती है 2018 में। फिर इमरान खान 2018 में आता है तो वो एक ही बात जो पिछले 26 ईयर से करता आ रहा है कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा अपने सोनू पर। और कंप्रोमाइज़ क्या था कि मैं अपनी काम को आगे लेके चलूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा, और खुदारी की बात करते हैं हमेशा, अपने आवाम की, अपने मुल्क के लोगों की फलाह की, फलाह बहबूद की बात करता है। बेसिकली होना तो यही चाहिए, लीडर भी वही और जमहूरियत भी वही अच्छी, जिसमें एक आम इंसान की बात सुनी जाए, उसको हकूक़ दिए जाएँ, उसमें जितने भी एक आम शहरी का हकूक़ होता है उसमें उसमें उसके आम शहरी का हकूक़ क्या है, उसकी बेसिक नीड क्या है, उसकी बेसिक नीड ये तालीम, सेहत, और इसके अलावा रोटी के जो मसला होता है, एक नौकरी का जो मसला होता है, ये सारे मसाइल हल करने होते हैं। तो ये बेसिक नीड होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो भी आया, जो भी सियासतदान आया आज तक, उसने अपनी ज़ात का सोचा, अपना भला सोचा, अपनी औलादों का सोचा। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे सियासतदान गुजरे आज तक, उन सबकी जायदादें, सबके कारोबार, सबकी औलादें आज मुल्क से बहर हैं। और ये वह लीडर हमारे मुल्क में बचा, इमरान खान, जिसकी कोई चीज़ भी बहर नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब जायदाद उसकी बहर नहीं है, और अभी तक ये मुल्क में बैठा हुआ है। तो एक वजह तो ये है कि आवाम का लगाव इसलिए भी है कि वो हमारे लिए बैठा है, हमारा हम लोगों के लिए हक की बात करता है, हमारे लिए उसने स्टैंड लिया हुआ है। तो एक पजीराई आवाम में मिलने की ये भी है। दूसरा जो आप कहने खुददारी की बात करता है, एक आम शहरी की खुददारी की बात, और जो कहता है मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ताल्लुकात होंगे तो बराबर की सतह पर होंगे, हमारा जो रवैया है वो माजरत खाना नहीं होगा, हमारा बराबरी का रवैया होगा। तो ये तीन चार वजूहत ऐसी हैं जिसमें उस आवाम में मकबूल कर दिया। वैसे तो इज्जत और जिल्लत देने वाले खुदा की ज़ात है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। और जिसको इज्जत दे फिर उसको ऐसे आसमानों पर ले जाता है, जिसको जिल्लत दे फिर उनका हाल ऐसे ही होता है जैसे आप आजकल आप देख रहे हैं PTM की 13 या 14 जमातें, उनका क्या हाल हुआ पड़ा है इस मुल्क में, और उसके साथ जो उनके हैंडलर वगैरह हैं तो उनका भी। इसके साथ अगर आप जुडिशरी की बात करें, जजेस की बात करें, तो वो तो इंसाफ का जो इंसाफ का हाल है वो हमारा पाकिस्तान जब से बना था तब से ऐसे मुतल है। इंसाफ बरए नाम इंसाफ है, लेकिन इंसाफ मिलता है, इंसाफ से ताकतवर को मिलता है, और आम जो शहरी है, आम जो इंसान है, उसको इंसाफ मिलता ही नहीं। तो अगर जजेस ठीक हो जाएं, जजेस सही फैसला करने लग जाएं, आईन और कानून की पासदारी करें। वैसे तो एक आईन है जो
आइन बड़ा वाजे है हर चीज़ के बारे में, लेकिन जो आइन लिखने वाले वो आइन को मानते नहीं, और जिसने अमल करना होता है वो अमल नहीं करते। जिन्होंने अमल करवाना होता है उनको पता नहीं आइन है क्या चीज़। मतलब एक रद्दी का टुकड़ा बनाया हुआ है, जिसकी जिसको जिसकी जहाँ मर्जी आती है आइन को उस तरह बोल्ड कर देता है। और रोना ये होता है कि आइन और कानून के हम पासदार हैं, लेकिन आइन की कोई भी पासदारी नहीं करता ना अमल करता है। तो इसलिए इमरान खान इनको अच्छा नहीं लगता, आंखों में खटकता है, क्योंकि इनको अपना जो मुस्तकबिल है वो तारीख नज़र आ रहा है। और आने वाले वक्त में क्योंकि आवाम में शोर इतना आ चुका है कि आवाम अपने राइट्स जो लेना चाहती है लेना जानती है और जान चुकी है कि किस तरह हमने अपने राइट्स लेने हैं, और लेंगे भी वोट की ताकत से। तो मेन वजह यही है कि इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, कभी किसी चीज़ का ड्रामा करते हैं तो रोज़ एक नया ड्रामा होता है, गिरफ्तारी का रोज़। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि या के वाकई गिरफ़्तार कर सकते हैं, अगर करते हैं तो क्या होता है, नहीं करते तो क्या होता है। नहीं करते तो साफ ज़रा इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन के बाद इमरान खान नहीं आना है, जितनी मेजॉरिटी मिले तो थाल मिले या 3/4 मिले। अगर गिरफ़्तार करते हैं तो फिर हमारे साथ सामने दो कंडीशन है, या तो फिर हमारा हाल श्रीलंका वाला होगा या फिर हमारा हाल तुर्की वाला होगा। ज़्यादा तुर्की वाले के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर इमरान खान गिरफ़्तार होता है तो आवाम सामने है, फिर रियासती ताकत और आवाम कब आमने सामने होती है। अगर होती है तो इसका नतीजा क्या होता है? साफ़ नतीजा तो बदमनी होनी है मुल्क की, मुल्क में इंतशार फैलना है। तो मुल्क के लिए तो साफ ज़रा कोई चीज़ अच्छी नहीं है। तो होप्स हो कि आने वाले दिनों में हालात अच्छे होंगे, मुल्क एक सही रास्ते पर चलेगा। जैसे एक ट्रैक पर चल रहा था और ट्रैक से हटाया गया मुल्क को जानबूझ कर अपनी ज़ाती मफाद के लिए, मुल्क मफाद को कुर्बान किया गया। तो होप्स हो कि हालात ठीक होंगे आगे, यही उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं खुदा से। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, मायूस नहीं होना चाहिए और मुसलमान को मायूस होना नहीं बनता। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।